नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है आज का कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। क्या है दोस्तों? ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है जिसका संकेत होता है OS। ऑस्मियम सबसे भारी धातु जिसका संकेत होता है OS। इसका परमाणु संख्या कितना होता है ऑस्मियम का? तो 76 होता है। याद रखिएगा कि ऑस्मियम का परमाणु संख्या होता है 76। ठीक है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? वो है हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम का संकेत OS, परमाणु संख्या 76। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी तत्व कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है। तो अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ेरॉन। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, हीलियम, एच ई से हीलियम, एन ई से नियॉन, ए आर से आर्गन, के आर से क्रिप्टॉन, आर डी से रेडॉन और एक्स ई से ज़ेरॉन। तो 6 निष्क्रिय तत्व होते हैं। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेरॉन। ठीक है, देखिए अक्रिय गैसों में सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो इतना अक्रिय गैस है, सबसे भारी तत्व इसमें है रेडॉन। याद रखिएगा, यानी कि अक्रिय गैसों में सबसे भारी तत्व कौन है? रेडॉन। रेडॉन जो है सबसे भारी है, आर डी, रेडॉन। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 86 होता है। कितना होता है? 86 रेडॉन का। याद रखिएगा, ठीक है, देखिए अक्रिय गैसों में सबसे भारी तत्व है रेडॉन। जो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ये भारी है, ये धरातल पे पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व है लिथियम। ठीक है दोस्तों, लिथियम जो है ये सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का संकेत Li होता है, परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक है, देखिए हम सवाल पूछे थे कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? ये धातु में है सबसे हल्की। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे हल्की धातु कौन सा है, तो सबसे हल्की धातु है हाइड्रोजन और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो है लिथियम। ठीक है, ये धातु है सबसे हल्का हाइड्रोजन और ये सबसे हल्का क्या है? तत्व है। यहाँ डिफरेंस किसका है? तत्व और धातु का। धातु पूछेगा तो हाइड्रोजन, तत्व पूछेगा तो लिथियम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अगला 4 नंबर सवाल कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस होती है। कौन सा गैस होती है? हीलियम। ठीक है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो हीलियम गैस होती है। हीलियम का संकेत क्या होता है? HE होता है और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 2 होता है। हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम का संकेत HE, यानी कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस होती है? तो हीलियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला 5 नंबर कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा हो, ठीक है, अगर हमको यहाँ पे बारिश करवाना हो तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा कि भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, कौन सा गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। कब रिसाव हुआ था? तो 1984 को। याद रखिएगा कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। कब रिसाव हुआ था? 1984 को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल कि स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि स्विमिंग पूल होता है ना, जिसमें हम लोग नहाते हैं, स्विमिंग पूल को आप देखते हैं उसमें पानी कितना स्वच्छ रहता है। स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी को स्वच्छ रखने के लिए। याद रखिएगा कि स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला 8 नंबर कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, यानी कि जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी, याद रखिएगा, विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछेगा तो बाकी ये दोनों को छोड़कर तो कौन कौन सा हो जाएगा, ए डी ई और के। यहाँ से देखिए KED कीड़ा भी बन जाता है। यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम कीड़ा लिख सकते हैं, KED A कीड़ा, ठीक है, यानी याद रखने के लिए कीड़ा लिख सकते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो ADEK, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, ADEK, और जल में बी और सी, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि जैसे कि विटामिन होता है तो विटामिन का रासायनिक नाम भी होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सिफिरॉल, विटामिन ई का टेकोफिरॉल, और विटामिन के का फिलोक्विनोन, ठीक है, और विटामिन बी B1, विटामिन B1 होता है, B2, B5, B7, B12, ठीक है, 12 तक होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो सवाल क्या था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो ADEK कीड़ा हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर कि LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। तो LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तो मिलाया जाता है ब्यूटेन और सॉरी LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। LPG में गंध के लिए, जैसे कि देखिए अगर मान के चलिए गैस खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो जब गैस खुला छोड़ा जाता है सबको हम लोग को पता चल जाता है कि गैस खुला छोटा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाकर हमें बंद कर देते हैं। तो कैसे पता चलता है, तो LPG में पता है क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मार्केप्टन, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं मिथाइल मार्केप्टन, ठीक है दोस्तों। मिथाइल मार्केप्टन से पता चलता है कि गैस खुला हुआ है, इसलिए हम लोग जाकर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मार्केप्टन, ठीक है दोस्तों। ये कुछ सवाल था जो मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब उस साइड को देखते हैं, कुछ सवाल है। सवाल है 11 नंबर कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों हीरा, याद रखिएगा, हीरा जो है ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अगर आपसे पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, याद रखिएगा 2.42, ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है, ठीक है। अगर आपसे पानी का अपवर्तनांक पूछेगा तो 1.33, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर सवाल कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में दोस्तों आर्गन गैस भरी होती है, कौन सी गैस, आर्गन गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में, ठीक है। आर्गन का संकेत होता है AR, इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, याद रखिएगा, आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18। तो देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन। नेक्स्ट है कि वोटरों की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट, याद रखिएगा, AgNO3, ठीक है। देखिए वोटर, हम लोग जैसे वोट डालने जाते हैं तो इस वाले नाखून पे ये ऐसे रंग दिया जाता है, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या वो क्या रहता है, तो वो रहता है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि वोटरों की उंगली पर निशान लगाने वाले स्याही को क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, इसको सूत्र क्या होता है, AgNO3, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये जितना भी मैं सवाल करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा कि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो अगला सवाल है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सिंदूर रासायनिक सूत्र होता है PbO4, क्या होता है, PbO4, याद रखिएगा, Pb3O4, ठीक है, सॉरी PbO4, ये सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा।
कुछ रासायनिक सूत्र जो देखेंगे, जैसे लाफिंग गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है N2O। क्या होता है दोस्तों? N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, एक होता है आंसू गैस, CCl3NO2। देखिए ये क्या है, लाफिंग गैस है, एक होता है आंसू गैस, आंसू गैस। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो देखिए CCl3NO2 लिख लीजिएगा, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3, याद रखिएगा NHCO3। ये बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NHCO3। ठीक है दोस्तों, अगला है धोवन सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा कि Na2CO3 10H2O, ये धोवन सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, उसके बाद है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हरा कशिश जिसको हम लोग बोलते हैं नीला थोथा, तो CO4 5H2O, FeSO4 7H2O, याद रखिएगा। ठीक है, तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O। ठीक है दोस्तों, एक होता है सफ़ेद कशिश, हरा कशिश FeSO4 7H2O, सफ़ेद कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया जो खाद होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। अच्छा है, हम आपसे एक सवाल करते हैं, NH2CO NH2, आपसे एक मेरा सवाल है कि बताइए कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या है समझ लीजिए फिर से, कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्या है यूरिया का रासायनिक सूत्र? NH2CO NH2। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, याद रखिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। उसी तरह से बताना है कि नाइट्रोजन यूरिया में कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सवाल था जो मैंने डिस्कशन करवा दिया, ये साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगला ये मेरा पार्ट वन था, अगला पार्ट टू में हम लोग 20 सवाल को डिस्कशन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।